नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और मैच नंबर यहाँ पे 24, बांग्लादेश और इंडिया भिड़ रहे हैं। यहाँ पर रैंकिंग में बांग्लादेश ऊपर है, इंडिया के रैंक 4 में है, टॉप 4 के अंदर है बांग्लादेश। इंडिया रैंक 6 पे है। शुरुआत खराब रही थी, हैट्रिक लगाई थी, हार की वापसी कर रहा है इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं आज का मैच, इंपॉर्टेंट टॉस जीता है यहाँ पर बांग्लादेश ने। आज के दिन भी हम लोग यहाँ पर रनचेज ही करेंगे। पिछला मैच हारे थे श्रीलंका बन के, उम्मीद करते हैं बांग्लादेश के साथ ये चीज़ बदले। जीतना चाहेगी बांग्लादेश मैच और आना चाहेगी टॉप 2 में। अभी के लिए बॉलर साथ, कमेंट्री में हमारे आकाश चोपड़ा आएंगे पहली गेंद के साथ। अभी के लिए इंडियन ओपनर्स, देखते हैं हम कितने पे रोक पाए। शुरुआत तेज गेंदबाज से कर रहे हैं, दूसरा ओवर स्पिनर्स के साथ करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे दोनों के साथ। बॉल को अपने तक आने दिया, हल्का सा किया पुश। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। ओवर स्टेपिंग यानी कि ओवर में एक्स्ट्रा बॉल, नो बॉल डिसाइड की है अंपायर ने। गेंद की रिप्लेसमेंट मंगवानी पड़ेगी आसानी से। मॉन्स्ट्रस सिक्स, मैदान पर नए हैं जनाब ये। एक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन गेंद की गति में परिवर्तन, स्लोअर वन। थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग को। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को। एक ये हेलीकॉप्टर उड़ा भी है और ये लैंड भी होगा जाके स्टैंड्स में। खूबसूरत शॉट, ड्रॉप। इस बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं। गति में मिश्रण के साथ चकमा देने का किया है प्रयास। अच्छी स्लोर वन, कलाइयों को मोड़ा, एक और रन बटोरा। चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज। कप्तान ने गेंद दी है ऑफ स्पिनर को, विकेट की है मंशा। क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंदबाज? इस गेंद को ना तो पढ़ पाए ना जड़ पाए, बढ़िया गेंद। बल्लेबाज को थोड़ा क्रैम्प किया। एक और डॉट बॉल, गेंद। इस बार बड़े शॉट का प्रयास। शॉट है, वाइड है, रूम मिला, मारा चौका। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। फील्डर भी सिर्फ पीछे मुड़कर देखेंगे। 6 रन खाते में, बॉलर का नुकसान, बल्लेबाज का फायदा। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट स्लॉग डाउन द ग्राउंड। साधारण सा कैच, लेकिन कैच तब तक होता नहीं जब तक पकड़ा जाए। वापिस फेंका गेंद को स्टंप्स। सो इंडिया ने पहली इनिंग में बनाए हैं शानदार 33 रन दो ओवर में। मुश्किल है, बांग्लादेश देखा जाए तो जबरदस्त फॉर्म में है और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये चेज कर जाएगा। अपने आप में एक बड़ी बात होगी, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रन चेज होगा ये अगर कर जाती है तो। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो शॉट हम खेलते हैं वो सही जाए, जिस तरह से खेल रहे हैं, और मिस ना हो गेंदें। देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश के पास मौका है नया रिकॉर्ड बनाने का रन चेज का। है पीछा तो उम्मीद है जो पावर हिटर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर के सरीखे बल्ले, अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर। सही जजमेंट का सही नतीजा, बढ़िया कैच, एक और सफलता। पहली गेंद पर गवा दिया अपना विकेट और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज।
अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहां इनको, तो फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट, लेकिन कहलाएगा स्लॉग। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ। गजब की खतरनाक गेंद, सटीक गेंद, डॉट गेंद। ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है, बल्लेबाज को सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। एक और विकेट चटका। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहें। परफेक्ट डिलीवरी, आश्चर्य। अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं, फ्री हिट का समय है, लेकिन क्या समय बदलेगा बल्लेबाज का। स्टैंड में एक हेलीपैड लगवाना पड़ेगा क्योंकि बल्ले मुफ्त की गेंद थी, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, चौका छक्का लगा नहीं पाए। इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं है हम इनको। खैर आज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी। ये नेल बाइटिंग मुकाबला अंत के बिल्कुल करीब, आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। अपने शॉट से निराश जरूर हैं क्योंकि पकड़ा गया है कैच। पहली गेंद बन गई आखिरी गेंद, खाते में बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। क्रीज पर आए हैं नए बल्लेबाज, उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे। बूम, कमाल का शॉट, और क्या थी खूब पारी की समाप्ति पर आया ये खूब। ये बिजली की तरह कौंधे हैं इनके हाथ, बेल्स ऑफ इन अ फ्लैश। तीसरे अंपायर का फैसला फाइनल होगा। कीपर ने तो किया बढ़िया। उफ, बचे यहां पर गेंदबाज क्योंकि आउट, कॉट। क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है क्या। एक छोर पर विकेट के बाद विकेट गिरती जा रही है, गेंदबाजी जबरदस्त महत्वपूर्ण समय पर। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है, अगर नींव मजबूत होगी तो। ये चौका नहीं, संदेह। बॉलर को अलविदा कहा है चौके के साथ। कांटे का मुकाबला, कमाल की जीत, जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवां। सामने वाली टीम ने नेस्त नाबूद कर दिया आपकी टीम को। यू हैव टू डॉफ योर हैंड, कहिए वेल प्लेड, और अपने खेल पे थोड़ा सा और दीजिए तवज्जो। गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको, आज इनके इशारों पे नाच रही थी गेंद और साथ में बल्लेबाज भी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो इंडिया ने लगाई है यहाँ पर हैट्रिक जीत की, हैट्रिक हार के लगे उसके बाद यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगती हुई। रैंकिंग बदल चुकी है दोनों के एक दूसरे के साथ, रैंक 5 पे इंडिया, रैंक 6, रैंक 4 पे इंडिया, रैंक 5 पे बांग्लादेश आ चुकी है। गलती कहाँ हुई अगर बांग्लादेश की देखें बैटिंग में, तो भाई दो परफेक्ट शॉट मिस किए थे, एक चौका और एक सिक्स कन्फर्म था उन दो गेंदों पे, तो वहाँ पे वो 10 रन कम हुए, 9 बॉल का फायदा नहीं उठा पाए, कई शॉट मेरे जो थे वो लगे नहीं जहाँ मैंने खेला था। अब वो क्यों प्रॉब्लम हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच हमने खेला था आज के दिन, उसमें भी यही हुआ था, हम खेल रहे थे मिड कवर पे, जा रहा था मिड ऑन पे, हम खेल रहे थे मिड ऑफ पे लॉन्ग ऑफ पे और जा रहा था मिड ऑन पे। तो ये चीज़ें मेरे समझ से थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है और इसी के कारण ही यहाँ पर रन नहीं बन पाए। 22 रन ख़राब नहीं होते, लेकिन
जब आप टारगेट 34 का हो तो फिर आपके हिस्से में हार ही आती है। वही हुआ बांग्लादेश के साथ, देखते हैं बाकी के मैचेस में क्या होता है। अभी के लिए लेना होगा विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।